नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख शुरू से बेहद सख्त रहा है। आज तक के खास कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन क्लीन को सही ठहराया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूछा था कि किसी की जान लेने वालों का एनकाउंटर ना किया जाए तो क्या उनकी आरती उतारी जाए। विकास दुबे का एनकाउंटर किए जाने के बाद सरकार का रुख एक बार फिर से आज साफ हो गया है। बड़ी खबर यही है, आज सुबह जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? दो जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से ही गैंग्स ऑफ चौबेपुर और उसके मुखिया पर मौत मंडरा रही थी। एक एक कर उसके गैंग के 5 गुर्गों को पुलिस ने ढेर कर दिया और फिर उज्जैन से कानपुर आते आते गैंग का सरगना विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर को एक तरफ जहां खूंखार अपराधी का सफाया माना जा रहा है, वहां कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार के लिए ये एक और एनकाउंटर है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद विकास दुबे को मिलाकर अब तक कुल 117 अपराधियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। एनकाउंटर का सिलसिला उस ऑपरेशन क्लीन के तहत शुरू हुआ था जिसकी इजाजत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी। हर मंच पर वो इसे सही भी ठहराते रहे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। मुख्यमंत्री पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी को अपराध मुक्त करने का अपना इरादा साफ कर दिया था। वो बेहिचक कहा करते थे कि जो अपराध करेंगे उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। जो भी देशद्रोही बयान देगा और देशद्रोही कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश की धरती पर इस प्रकार की किसी भी कृत्य को करने की हम परमिशन नहीं देंगे। 3 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद सीएम योगी एक बार फिर इसी तेवर में नजर आए। सुबह सुबह उनका कानपुर पहुंचना अपराधियों के लिए साफ संकेत था। इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे साफ हो गया था कि विकास दुबे के रक्त चरित्र का अंत बस कुछ ही दिनों की बात है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भले ही विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हों, लेकिन योगी सरकार ने पहले ही दिन से अपराध के अंत का लक्ष्य तय किया था और एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि के तौर पर भी गिनाया। 2019 के गणतंत्र दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई थी कि सरकार बनने के बाद 3000 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं जिनमें 60 अपराधियों को ढेर कर दिया गया। इस बयान के तुरंत बाद यूपी के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया। उनसे कहा गया कि वो इस तथ्य को सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाएं। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ से उनकी इस नीति पर सवाल किया गया तो उनका दो टूक जवाब कुछ इस तरह था। 21वीं सदी में इतनी एनकाउंटर मौतें, आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले, और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी जाना चाहिए।
भले ही विकास दुबे के एनकाउंटर पर आज सवाल उठ रहे हैं, लेकिन 2 जुलाई की रात कई थानों की पुलिस ने विकास दुबे को शिकंजे में लेने के लिए ही दबिश दी थी। पुलिस के मुखबिरों ने विकास को पहले ही खबर दे दी और फिर जो हुआ वो यूपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। बिकरू गांव में विकास दुबे के गैंग ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इसके बाद योगी सरकार फिर एक्शन में आई। ऑपरेशन क्लीन को पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाया गया। पुलिस के हाथ पूरी तरह खोल दिए गए और फिर यूपी पुलिस ने विकास के गैंग का सफाया करना शुरू कर दिया। गैंग्स ऑफ चौबेपुर के 21 नामजदों में 6 ढेर किए जा चुके हैं, 3 गिरफ्तार हैं, जबकि 12 अब तक फरार हैं। रंजय सिंह, शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक। बीते 3 दिनों में यूपी पुलिस विकास दुबे के गैंग पर मौत बनकर टूट पड़ी। जिस गैंग के खौफ से पूरा इलाका कांपता था, उसके बदमाशों को छिपने का ठिकाना भी नहीं मिल रहा था। यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए, जिसमें विकास दुबे के 5 गुर्गे ढेर कर दिए गए। प्रभात मिश्रा ढेर, मारा गया बउआ दुबे, अमर दुबे का अंत, प्रकाश दुबे ढेर, अतुल दुबे का खात्मा। आठ पुलिस वालों की हत्या में शामिल बताए जा रहे विकास दुबे के इन 5 गुर्गों को यूपी पुलिस ने एक एक कर ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर करीब करीब उसी अंदाज में हुआ जिस अंदाज में विकास दुबे को कानपुर में मारा गया। फरीदाबाद से विकास दुबे फरार हो गया था, जबकि प्रभात पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक वो प्रभात को फरीदाबाद से कानपुर लेकर आ रही थी। इसी दौरान कानपुर के भौती इलाके में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। पुलिस ने बताया कि मौका पाकर प्रभात पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में प्रभात घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया। यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना प्रभारी सिविल लाइंस और यहां की जो एसओजी टीम थी, उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़, ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे बिकू गांव थाना चौबेपुर कानपुर नगर, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। शुक्रवार रात बिकरू गांव में हुए हत्याकांड में शामिल विकास का एक और साथी प्रवीण उर्फ बउआ गुरुवार को इटावा में ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बउआ एक लूटी हुई टैक्सी में भागने की कोशिश में था। इससे पहले विकास दुबे के 2 और सहयोगियों का पुलिस ने सफाया कर दिया था। इसमें विकास का मामा प्रकाश दुबे और गुर्गा अतुल घटना के दिन ही मार दिए गए थे। बुधवार को विकास के साथी अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ था। विकास का दाहिना हाथ अमर दुबे हमीरपुर में मारा गया। पुलिस यही नहीं रुकी, उसने अमर के पिता संजय दुबे और उसकी पत्नी खुशी को भी गिरफ्तार कर लिया। 29 जून को विकास दुबे के घर से ही अमर और खुशी की शादी हुई थी। अमर दुबे को ढेर किए जाने के दिन ही पुलिस ने विकास दुबे के एक और गुर्गे श्यामू वाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी थी। अब विकास दुबे को ढेर कर यूपी पुलिस ने उसके गैंग की कमर तोड़ दी है। एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच ऑपरेशन क्लीन जारी है। रंजय सिंह, शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक।
अपराध का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया था। इस दौरान अपराधियों का तो सफाया हो गया, लेकिन कुछ मामलों में विवाद भी हुआ। इसके बावजूद ऑपरेशन क्लीन जारी रहा। चौंकाने वाली बात यह रही कि अपराध का आंकड़ा भी कम नहीं हुआ। कानपुर कांड के बाद अपराध के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम नए सिरे से आगे बढ़ रही है। विवादों और सवालों के बावजूद एनकाउंटर को लेकर बीते 3 साल के पन्ने पलटे जा रहे हैं। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश से अपराध का सफाया करने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया। इसके बाद बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता जब कहीं न कहीं से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर नहीं आती थी। पुलिस ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है, और उस दौरान जो कुख्यात अपराधियों से आपसी मुठभेड़ में भी काफी बड़ी मात्रा में कार्रवाई पुलिस ने किया है। हालांकि इस दौरान कुछ एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठे और बवाल भी मचा। ऐसा ही मामला लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर एक्सटेंशन का था। यूपी पुलिस के कांस्टेबल प्रशांत चौधरी ने एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मार दी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस के 2 जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करना मेरा दायित्व है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं इसको अपना धर्म मानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। क्या आप ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही झूठ की इनकाउंटर किलिंग्स की हत्या भी किसी को नहीं है, स्टेज इनकाउंटर किलिंग्स की? एक भी मामले इस प्रकार के नहीं आए हैं, और एक भी नहीं आए हैं, और ना आएंगे, आएंगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि खुली छूट की जो अपराधी दिखे ठोक दो? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। देखिए, कानून का राज है। कानून के राज का मतलब जैसे मेरे लिए है वैसे हर व्यक्ति के लिए भी है। इन विवादों के बावजूद ऑपरेशन क्लीन जारी रहा, लेकिन अपराध के मामले में यूपी का ग्राफ शायद ही कभी गिरा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मालूम चलता है कि 2018 में अपराध के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 था। 2018 में यूपी में 3,42,355 आपराधिक मामले दर्ज हुए। ये अपराध पूरे देश में हुए अपराधों के करीब 11% थे। हमारी पार्टी ने पहले इस बात को कहा था कि सरकार बीजेपी की बनती है तो क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य करेंगे। हम लोगों ने उसी तर्ज पर हम लोग आगे बढ़े हैं। एक भी फेक इनकाउंटर यूपी में कोई नहीं कह सकता, उठाने के लिए कोई कुछ भी उठा दे। उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला इसलिए हमेशा रहा क्योंकि यहां पर समय समय पर गैंगस्टर पैदा होते रहे, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और कानून को धोखा देकर वो अपराध के ग्राफ को बढ़ाते रहे। कानपुर में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों के सफाई के लिए पुलिस को जैसे खुली छूट दी है उस पर सवाल नए नहीं है। सच पूछा जाए तो अपराधियों के एनकाउंटर पर योगी सरकार की नीति स्पष्ट रही है। सत्ता संभालने के बाद अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया था। उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने आज तक से खास बातचीत की थी। सुनिए सीएम योगी ने उस बातचीत में क्या कहा था। आपने क्राइम को लेकर कहा है कि योगी सरकार अपराध मुक्त, इसकी उम्मीद लोगों को शुरू से थी, लेकिन क्या क्राइम पर उस तरीके से आप काबू पा पाए हैं? क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं वो एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, अगर आप आंकड़े में जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले FIR ही लॉन्च नहीं होती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो इस बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश में 100% FIR दर्ज हों। फिर अपराध हो रहा है, पहले तो अपराध को रोकने की पूरी तैयारी हो, लेकिन आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण से कोई अपराध घटित भी हो रहा है तो उसका वह वर्कआउट होना चाहिए। अपराधी पकड़े जाते हैं, समय पर चार्जशीट दाखिल करिए। जो अपराधी जेल के अंदर हैं, पैरवी करके उनको सजा कराने की तैयारी होनी चाहिए। हर स्तर पर कार्रवाई चल रही है। तो आंकड़े इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि FIR दर्ज हो रही है। हाँ, 100% FIR दर्ज करने। दूसरा,
जिन माफिया गिरोहों पर शिकंजा कसना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रदेश तो बदनाम रहा है खनन माफिया के लिए, वन माफिया के लिए, भू माफिया के लिए, राजनीतिक संरक्षण में पनपने वाले उन संगठित गिरोहों के लिए जिन्होंने प्रदेश को अराजक और जंगल राज में बदल दिया था, उन लोगों पर जब शिकंजा कस रहा है तो वहां से बेरोजगार हुए लोग कहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। तो ये वह स्टेज है और हमें माइंड मेकअप करके चलना होगा कि ये कुछ समय तक चलेगा जब तक कि हम हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद न कर दें। ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है, लेकिन कानून को कोई हाथ में न लें। अगर कानून को किसी ने हाथ में लिया तो देखिए कानून फिर उस मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा, पूरी शक्ति के साथ ऐसे तत्वों के साथ निपटने का कार्य करेगा और वो हम लोग कर रहे हैं। ये छूट आपने दे रखी है पुलिस को? प्रशासन को खुली छूट है कि जहां पर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करे शक्ति के साथ उससे निपटे। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप किसी का नहीं होगा और प्रशासन को गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करनी होगी। जो कार्य नहीं कर सकता है वे अपनी जवाबदेही तय कर लें और उनकी जवाबदेही भी तय हो रही है। अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर नीति की अगर आलोचना हुई है तो उसके प्रशंसक भी कम नहीं है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला रहा है। वैसे योगी आदित्यनाथ यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने अपराधियों के एनकाउंटर की खुली छूट दी हो, बल्कि उत्तर प्रदेश में उनसे पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी अपराधियों के सीधे एनकाउंटर पर अपनी मूक सहमति दी थी। गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर नाटकीय है, जाहिर है सवालों के घेरे में, लेकिन यूपी ऐसे मामलों से कोई पहली बार रूबरू नहीं हुआ। एनकाउंटर्स को लेकर उत्तर प्रदेश में बीते चार दशक का इतिहास खंगाले उससे पहले मौजूदा योगी सरकार के तीन सालों की बात करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अपराध एक बड़ी समस्या है और 2017 में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ऐलान किया था कि अपराधी या तो यूपी छोड़े या अंजाम भुगतने को तैयार रहें। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य करेंगे। हम लोगों ने उसी तर्ज पर हम लोग आगे बढ़े हैं। एक भी फेक इनकाउंटर यूपी में कोई नहीं कह सकता। आतंकवादी के प्रति कांग्रेस की सहानुभूति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उन पाक प्रस्त आतंकवादियों को बिरयानी नहीं गोली खिलाती है और गोली मार करके उनका काम तमाम करती है। पुलिस ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है और उस दौरान जो कुख्यात अपराधियों से आपसी मुठभेड़ में भी काफी बड़ी मात्रा में कार्रवाई पुलिस ने किया है। 2017 में सरकार बनने के बाद योगी की पुलिस ने वांटेड अपराधियों के एनकाउंटर जिस तरीके से किए तो उसके खिलाफ मामले अदालतों तक में गए, लेकिन योगी सरकार एनकाउंटर्स को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने लगी। दिसंबर 2019 में डीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधी सरकारी मेहमान है। जवाब में उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिखा था, आंकड़े खुद अपनी सफाई देते हैं, जंगल राज बीते महीने की बात हो गई, अब ऐसा नहीं है। बीते दो साल से अधिक वक्त में 5178 पुलिस मुठभेड़ों में 103 अपराधी मारे गए और 1859 घायल हुए हैं। 17,745 अपराधियों ने सरेंडर किया या जेल जाने के लिए खुद जमानत रद्द कराई है। अब स्टेट गेस्ट नहीं है। विकास दुबे के खिलाफ जिस ऑपरेशन को अंजाम देने 2-3 जुलाई की रात पुलिस गई थी वो भी ऑपरेशन क्लीन के तहत ही था। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या करके उत्तर प्रदेश पुलिस को मानो सीधी चुनौती दे दी थी। पुलिस ने विकास को ढेर करने से पहले उसके 5 करीबियों को मारा है। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास 3 दशकों का है, जिसमें से बीते 20 साल बेहद खतरनाक है, लेकिन 20 वर्षों में वो ऐसा अपराधी रहा जो राजनीति के करीब देखा गया। शायद इसीलिए जुलाई के पहले तक उसका नाम कानपुर के टॉप 10 अपराधियों में दर्ज नहीं था, लेकिन बीते 20-22 सालों में उत्तर प्रदेश में उस जैसी फितरत रखने वाले कई अपराधियों का सफाया हुआ।
प्रदेश के जिस अपराधी का एनकाउंटर सबसे चर्चित है वो है श्री प्रकाश शुक्ला का। यूपीएसटीएफ ने 1998 में उसको मार गिराया था। श्री प्रकाश शुक्ला जब मारा गया तब उसकी दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में थी। डकैत निर्भय सिंह गुजर को इटावा में 2005 में ढेर किया गया था। रमेश कालिया का सफाया भी 2005 में हुआ। 30 साल से अपराध का नाम बने शिवकुमार पटेल उर्फ ददुआ को 2007 में मारा गया था। अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को चित्रकूट में 2008 में मारा गया। रविंद्र त्यागी नाम के अपराधी का एनकाउंटर 2009 में गाजियाबाद में किया गया। ये वो अपराधी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चूल्हे हिला रखी थी। भारत में उत्तर प्रदेश मशहूर है या कुख्यात है एनकाउंटर के लिए, ये तो स्पष्ट है। तमिलनाडु में वीरप्पन को मारा था, चंदन तस्कर को, उसके बाद ऐसा कोई बड़ा तस्कर नहीं हुआ जिसको एनकाउंटर मारा गया हो भारत में। लेकिन यूपी का किस्सा अलग है। यूपी में एनकाउंटर दो प्रकार के विशेष हुए हैं, एक राजनीतिक कारणों से, दूसरा अपराध क्राइम के हिसाब से। 1980 के दशक से ही उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें आईं, कमोबेश अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की एक अलिखित नीति अपनाई गई। 1980 से 1982 के बीच जब वीपी सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे थे तब उनके शासनकाल में 300 से अधिक डकैतों का एनकाउंटर हुआ। हालांकि 1982 के फूलन देवी के बेहद चर्चित बेहमई कांड के बाद वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। बेहमई कांड में फूलन देवी ने 21 ठाकुर समुदाय के लोगों की हत्या की थी। मुझको याद है जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उनके किसी रिश्तेदार को, जहां तक मुझको याद है, बुंदेलखंड में कुछ डाकुओं ने मार दिया था, तो उन्होंने पुलिस को तब खुली छूट दी थी एनकाउंटर करने की। तो पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर हुआ था। कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब 1998 में उन्होंने पुलिस समीक्षा बैठक में एक बेहद चर्चित बयान दिया था। कल्याण सिंह ने कहा था, मैं नतीजे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप संकल्प लें कि राज्य में धमाका मचा देंगे। अगर अपराधी मुठभेड़ों में मारे जा सकते हैं तो मार दीजिए। जिस व्यक्ति ने 10 लोगों की हत्या की है अगर उसे मारा जाता है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और मैं आपको बचाने के लिए बैठा हूँ। कल्याण सिंह के भरोसे के बाद पुलिस ने 200 से अधिक नामी बदमाशों का एनकाउंटर किया था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती के जमाने में विपक्ष ने अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। हालांकि ये भी सच है कि दोनों के रहते उत्तर प्रदेश में कम एनकाउंटर नहीं हुए। आज तक ब्यूरो। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। विकास दुबे घायल हो गया जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर इसलिए किया गया है कि जिससे कि तमाम राज्यों से पर्दा ना उठ जाए। भाग रहा था, जब पुलिस के ऊपर हमला करेगा, पिस्टल लेके भागेगा तो पुलिस की आरती तो उतारेगी नहीं। उसके साथ सही हुआ? सही हुआ। सही हुआ? सही हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।